आरक्षण फिल्म का एक सीन याद कीजिए। दीपिका पादुकोण ने साड़ी पहनी है, सैफ अली खान सूट बूट में बैठे हैं और गाना बज रहा है अच्छा लगता है। दीपिका सैफ को कहती हैं कुछ बोलते क्यों नहीं, और इश्क में अंडर कॉन्फिडेंट सैफ जवाब देता है मौसम बहुत अच्छा है, झील कितनी खूबसूरत है और तुम भी। यहाँ दीपिका सैफ को रोकते हुए कहती हैं तुम शॉर्ट में सीधे पॉइंट पे नहीं आ सकते क्या, और शायद यही आप मुझसे भी कहना चाह रहे होंगे। पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट दरअसल एक किस्सा है, किस्सा खूबसूरत झील वाले शहर भोपाल का और सैफ अली खान के नाना का। ये किस्सा हमें पता चला है रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी से। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। भोपाल आज मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन 1947 से पहले ये रियासत हुआ करती थी, और भोपाल उन रियासतों में से एक थी जो अंग्रेजों के जाने के बाद भारत का हिस्सा नहीं होना चाहती थी। सही कह रहा हूँ, ज़्यादातर रियासतों के राजा होते थे, लेकिन भोपाल के होते थे नवाब, और 1947 में भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला खान। यही है सैफ अली खान के नाना। हमीदुल्ला खान कांग्रेस से खार खाते थे और जिन्ना और मुस्लिम लीग के ज़्यादा करीब थे। जब द्वितीय विश्वयुद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने की मंशा जाहिर की तो नवाब को निराशा ने घेर लिया, और निराश नवाब ने नवंबर 1946 में वॉयसराय के राजनीतिक सलाहकार को एक खत लिखा। अगर अंग्रेजों का भारत छोड़ना सबसे बड़ी त्रासदी नहीं, तो ये कम से कम सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है जिसका सामना मानवता को करना पड़ रहा है। अब तक जो रियासतें, मुसलमान और एक बड़ा जनसमूह जो अंग्रेजों के न्याय पर आश्रित थे, वे असुरक्षित, असहाय और असंगठित महसूस कर रहे हैं। अब मुझे जो इकलौता रास्ता नजर आ रहा है कि मैं मुसलमानों के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दूं। चार महीने बाद 22 मार्च 1947 को अंग्रेज विविल को हटाकर माउंटबेटन को वाइसरॉय बनाकर भेजते हैं। वही माउंटबेटन जो भोपाल के नवाब के साथ पोलो खेला करते थे, और जिन्होंने एक वक्त ये दावा किया था कि भोपाल का नवाब हमीदुल्ला भारत में उनका दूसरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये साफ होने में देर नहीं लगी कि दोनों दोस्त अब एक पारी में नहीं है। 1947 के जुलाई मध्य में माउंटबेटन नवाब को चिट्ठी लिखकर सुझाव देते हैं कि भारत के साथ जुड़ जाने में भलाई है। जवाब में नवाब सेंटी हो गए। नवाब ने माउंटबेटन को ब्रिटिश क्राउन से उनकी अटूट और वफादार दोस्ती याद दिलाई। फिर आगे लिखा कि भोपाल और बाकी रियासतों को किसके हाथ में सौंप रहे हो, गांधी और नेहरू की पार्टी के हाथ में जिससे सब नफरत करते हैं। इसके आगे नवाब गुस्से में लिखते हैं, क्या हम कांग्रेस के हाथ में खाली चेक सौंप दें और उस चेक में कांग्रेस के नेताओं को अपनी मनचाही रकम भरने को छोड़ दें। बेवफाई का रोना रोने के बाद नवाब चेतावनी की टोन पकड़ते हैं। वो माउंटबेटन को कम्युनिज्म की चढ़ती लहर की ओर ध्यान ले जाने के लिए कहते हैं। फिर उंगली जाती है कांग्रेस के जमींदारी खत्म करने के इरादों पर और कांग्रेस के लेफ्ट में खड़ी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर। नवाब आगे लिखते हैं, अगर आप और ब्रिटेन के महाराज हम रियासतों की मदद नहीं करते तो बहुत जल्द आपको भारत में कम्युनिस्टों का राज देखने को मिलेगा, और अगर कल को यूनाइटेड नेशंस को कम्युनिज्म की चपेट में 45 करोड़ एक्स्ट्रा लोग दिखते हैं तो उस मुसीबत का जिम्मेदार कोई और नहीं ग्रेट ब्रिटेन होगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका नाम जिम्मेदारों की सूची में हो। भोपाल ने इशारा किया कि वो भी त्रावणकोर की तरह स्वतंत्र रहना चुनेगा, और चाहे जो भी हो, 25 जुलाई को माउंटबेटन ने जो चेंबर ऑफ प्रिंसेस की मीटिंग बुलाई है उसमें तो भोपाल की तरफ से कोई नहीं पहुंचने वाला। चेंबर ऑफ प्रिंसेस दरअसल राजाओं की सभा थी। ये सभा अंग्रेजी हुकूमत तक रियासतों की परेशानियाँ और आकांक्षाएँ पहुँचाने का काम करती, और भोपाल के नवाब हमीदुल्ला 1944 से चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे। अंग्रेजों के जाने की खबर सुनते ही नवाब ने चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया था। खैर, नवाब की धमकी काम नहीं आई। 31 जुलाई को माउंटबेटन की एक और चिट्ठी आई। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने का एक और मौका था। माउंटबेटन ने नवाब को अपनी स्पीच याद दिलाई कि कोई भी अपनी नज़दीकी डोमिनियन से दूर नहीं भाग सकता, और कम्युनिज्म वाला तर्क तो उन्होंने माउंटबेटन के सर पर ही दे मारा। कहा कि हाँ, ये लाल खतरा ज़रूर मंडरा रहा है, लेकिन इससे तभी निपटा जा सकता है जब कांग्रेस और रियासतें एक साथ इसका सामना करें, और सरदार पटेल जैसे नेता तो कम्युनिज्म से उतना ही डरते हैं जितना कि आप डरते हैं, और वो लोग इस खतरे से तभी लड़ पाएंगे जब उन्हें राजाओं और रियासतों का साथ मिलेगा। अब तक नवाब को 25 जुलाई की उस मीटिंग की जानकारी मिल चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि मीटिंग में उनके दोस्त माउंटबेटन ने क्या भयानक रौब कायम किया, और साथ ही नवाब ने धड़ाधड़ रियासतों को भारत में विलय होते देखा। अब नवाब को लग गया था कि भोपाल का भारत में मिलना तय है। बस उन्होंने अपने दोस्त से एक मदद मांगी। मदद ये थी कि क्या वो पटेल से कहकर डेडलाइन को 10 दिन आगे बढ़वा सकते हैं, ताकि उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर 15 अगस्त के बाद साइन करना पड़े, क्योंकि नवाब के शब्दों में कहूँ तो अपने डेथ वारंट पर मैं साफ अंतरात्मा से साइन करना चाहता हूँ। पटेल ने साफ मना कर दिया कि कोई भी अपवाद नहीं झेला जाएगा। इस पर माउंटबेटन ने नवाब को सुझाव दिया कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हमको 14 अगस्त को ही दे देना, मैं उसको ताला लगा कर रख लूँगा और उसको छुपा लूँगा, और पटेल को ये मैं 25 अगस्त के बाद ही सौंपूँगा।
नवाब को मानना ही पड़ा, कोई और रास्ता था ही नहीं। और इस तरह 26 अगस्त 1947 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बनती है और हमारे दिमाग में एक मीम बनता है। जाते जाते आप ये मीम देखते जाइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब तो दी लल्लन टॉप की ऐप भी आ गई है, उसको फटाफट डाउनलोड कर मारिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस्सा आपको कैसा लगा। देखने के लिए शुक्रिया।